सो गाइज यार वेलकम बैक। क्या बोलती है पब्लिक, आ गए एक और गेम प्ले के साथ। और ये गेम प्ले मैं खेल रहा हूँ रैंडम्स के साथ गाइज। हम उतरे सेवरनी और जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे साथ में एक और स्क्वाड उतरी है, मतलब एक स्क्वाड है और उतरते बराबर मुझे मिलती है ये शॉटगन। अब इस बंदे को नॉक करके मैंने यहीं छोड़ दिया, मतलब इंतज़ार कर रहा था कि इसके टीममेट्स आएंगे। मैं जैसे ऊपर जाता हूँ मुझे लकीली यहाँ पे उजी मिल जाती है। अब गाइस चारों तरफ से फायर चल रही थी, बंदे कहाँ कहाँ है मतलब लोकेट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। सो उजी मिलने के बाद मैं सीधा ऊपर आता हूँ और जैसे ही मैं यहाँ आता हूँ आपको सामने बंदा दिख गया होगा, ये बंदा ख़त्म। अब ये जो बंदा था ये सोलो खेलने वाला बंदा था आई गेस, बिकॉज अभी भी फाइट चालू थी, पूरा स्क्वाड है यहाँ पे, जिसमें मेरे एक बंदा ऑलरेडी लॉबी पहुँच चुका है। सो और ये यूजी बहुत जल्दी रीलोड हो जाती है यार। मेरे को पीछे से आवाज़ आई, फुटस्टेप पीछे से आ रही थी, मतलब मैंने सोचा कि सामने वाले से फाइट लेने से अच्छा पहले पीछे वाले से लड़ लूँ भाई, नहीं तो ये पीछे से मेरा काम कर देगा। ये बंदे को थोड़ा डैमेज और ऑल ऑफ अ सडन मुझे राइट से आवाज़ आती है, ये एक बॉट था। सो इसको नॉक करने के बाद मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, जैसे मैं यहाँ आता हूँ मुझे फुटस्टेप्स आते हैं। अब ये बंदा बहुत ज़्यादा ही उछल रहा था, ठीक है इसका काम ख़त्म। मुझे इससे मिलती है M4। सो अब यहाँ पे थोड़ी बहुत लूट करते गेम ख़त्म होता है, मतलब सारे बंदे ख़त्म। वहाँ से फिर हम आते हैं रोज़ॉक, क्योंकि यहाँ पे भी फाइट चल ही रही थी। सो जैसे हम यहाँ हिल पे आते सामने बंदे हैं, बस आप ये फाइट एंजॉय करना। ये एक बंदा नॉक, अब यहाँ पे बंदा कवर में है, मैं नॉक हुआ क्योंकि मैं ओपन में था। तो जैसे टीममेट से रिवाइव मिला मैंने हेल्थ बनाई, उतने में मुझे शॉट्स आए स्कूल से। सो मैंने डिसाइड किया कि भाई रोटेशन लेते हैं, मैं नीचे जाता हूँ फटाक से। एक रोटेशन लेना ज़रूरी था क्योंकि वो बंदे भी थोड़ा ज़्यादा सतर्क हो गए थे, उन्होंने एक बंदा मेरा ऑलरेडी खा लिया था। जैसे मैं यहाँ आता हूँ मुझे एक बंदा ऊपर भागते हुए नज़र आता है, आपने भी देख लिया होगा। ये ख़त्म, इसको मारने के बाद मैं एक अच्छा खासा रोटेशन लेने की कोशिश करता हूँ और जैसे ही मैं इस तरफ आता हूँ मेरा जो आखिरी बंदा था वो भी गया। अब गाइज यहाँ पे थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी समझ लो हो गई। एक गाड़ी आई, एक बंदा नॉक, अभी इसका किल जो है वो चुरा लेता है कोई, मतलब आप देख सकते हो मेरे 6 किल हैं, एक मैंने नॉक किया है लेकिन मुझे उसका किल नहीं मिलता। मैंने यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड किया, ये मेरा किल किसी ने चुरा लिया। उस बंदे को भी मैंने मारने की कोशिश की और ये किल भी किसी ने चुरा लिया, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी थर्ड पार्टी चालू है। तो पर्सनल आप ये एंजॉय करो। एक नॉक, गन चेंज किया और यहाँ पे 1v2 क्लच। आई होप पसंद आया होगा आपको गाइस, नहीं पसंद आया तो अब ये देखना आप। पहले तो मुझे लगा कि दो बंदे, लेकिन जब फायर हुआ तो पता चला पूरी स्क्वाड है। मैंने डिसाइड किया कि कवर में जाना ज़रूरी है तो सबसे पहले मैं कवर में आता हूँ। अब गाइज ये सिचुएशन है 1v4 की, अगर मैंने ये गेम प्ले निकाल लिया यहाँ पे सर्वाइव कर लिया तो आपको एक लाइक तो करना ही पड़ेगा, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब प्लीज़, बस आप ये एंजॉय करो। ये पहला बंदा नॉक, मैंने डिसाइड किया कि मैं पुश करूँगा क्योंकि मुझे लगा था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 बंदे होंगे। दूसरा नॉक, उतने में जोन भी आ गया, रीलोड किया मैंने,
गाइस यहाँ पे ये पूरा स्क्वाड वाइब होता है, 1v4। कैसा लगा आपको? पसंद आया तो गाइस प्लीज़ लाइक कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए। अब जोन आया था, मुझे जोन इन करना था, मैंने गाड़ी उठाई और मैं सीधा जोन में। अब आप चेक करोगे तो सिर्फ एक बंदा बचा हुआ है और जोन बहुत बड़ा था, तो ऑलमोस्ट मैंने 7 मिनट तक गाड़ी चलाई सिर्फ इस बंदे को ढूंढने के लिए जिसने अभी जस्ट फायर किया। और मेरी किस्मत इतनी फूटी है कि 7 मिनट यहाँ वहाँ पूरे मैप में घूमने के बाद जैसे मैं यहाँ आता हूँ, बंदा सांप बन जाता है। मतलब यार सांप एंड जोन में। सो गाइस यार यहाँ पे सॉरी बोलते हुए, मैं चिकन डिनर नहीं कर पाता इस सांप की वजह से। आई होप आपको गेम प्ले पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए फॉर सपोर्ट। थैंक यू सो मच।